नमस्कार साथियों, मैं गुरप्रीत सिंह आज वीडियो लेके आए हैं जेर गिराने की रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा गाय में है। जो इसका जो कारण रहता है यूटराइन अनर्टिया और मल्टीपल बर्थस, स्टिल बर्थ, डिस्टोकिया, हार्मोन इंबैलेंस, विटामिन ए और ई की डेफिशिएंसी, प्लेसेंटाइटिस और इन्फेक्शन जैसे ब्रूसेला, ये कारण रहते हैं इसके। और एनिमल वीक होना भी इसका कारण रहता है। और जेर अपने मैनुअल तरीके से गिरानी पड़ती है, जैसे हाथ से। नॉर्मल इसका 8 घंटे का पीरियड होता है। 8 घंटे में भी कई बार ऐसा होता है कि पशु ज़्यादा जोर मारने लग जाता है तो अपने जेर गिरानी पड़ती है, यूट्रस बाहर आने का खतरा रहता है। तो उसमें हार्मोन में अपने क्लोप्रास्टेनॉल, ऑक्सीटोसिन भी देते हैं और मिथाइल आर्गोमेट्रिन इंजेक्शन भी देते हैं। ध्यान रहे कि मिथाइल आर्गोमेट्रिन है यो, वो ब्लीडिंग में नहीं देना चाहिए। और मैन्युअल तरीके से अपने जैसे आज से जेर निकालते हैं, ये सफिशिएंट तो नहीं है पर कई बार निकालना पड़ता है। तो इसमें अपने जो ग्लव्स वगैरह है अच्छी तरह से पहनने चाहिए और स्लोली जो कोंडाइल है उसे रिमूव करते हैं जेर को धीरे धीरे। और जो गाय है उसमें जो कोटिलेडन है वो 80 से 120 रहता है। तो ये देखो आप, जेर निकल गई है और प्रॉपर पूरी निकली है। इंट्रा यूट्राइन में अपने पेसेसरी डालते हैं और एंटीबायोटिक में सेफ्टीफार सबसे सेफ ड्रग रहती है। और अनाल्जेसिक में इसमें फ्लुनिक्सिन मैग्लूमाइन साथ में देते हैं। और अगर पशु ज़्यादा जोर मार रहा है तो हल्का सा अपने सिक्विल वगैरह भी दे देते हैं। और ओरल में पशु को जैसे हिमरॉप वगैरह वो भी दिलवाते हैं। तो ध्यान रहे कि जेर निकालते वक्त अपने हाथों पे अच्छी तरह से ग्लव्स वगैरह चढ़े हों, क्योंकि इसमें पशु को भी खतरा ना हो और जो बंदा जेर निकाल रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।